आप देख रहे हैं कि हम मेन रोड पर यहाँ पर लोग जो है बिल्कुल लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बट की जो कल के अंदर जो गोली मारकर शहीद और उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और डिमांड इनकी है, जो मुलाजमीन है यहाँ पर, जो पंडित कम्युनिटी लोग है जो यहाँ पर मुलाजमीन है, उनको ट्रांसफ़र किया जाए जम्मू डिवीज़न में। तो इस वक्त मेरे साथ महिला कुछ मौजूद है यहाँ पर, इनसे हम बात करें। आप बताइए कि आपकी क्या डिमांड है, क्योंकि राहुल भट्ट को गोली मारकर आज आपने रखा यहाँ पर, तो क्या डिमांड है आपकी? अभी हमारी इतनी सैलरी नहीं है जितना हमें बाहर एकोमोडेशन मतलब रेंट पे देना पड़ रहा है। हम हर तरह से यहाँ सफ़र कर रहे हैं, हर तरह से टेररिज्म की तरह से, हर तरह से सफ़र कर रहे हैं। हमारी बस यही सवाल है कि हमें जम्मू कश्मीर वापस भेज दिया जाए, हम यहाँ नहीं आना चाहते। और दूसरी डिमांड कि हमारे भाई की को ऐसे सुनिश्चित किया गया है, उनके खिलाफ भी कुछ किया जाए। मेरा जो है अभी 2021 वो भी 10 साल से रह रहे हैं, क्योंकि वो 10 साल से ही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई सुन नहीं रहा। अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, अब हम लड़ेंगे। आप कैसे मानते हैं जो लगातार जो कैसे आप मानते हैं, क्योंकि आप 2021 में एक्टिव हुए, सरकारी मुलाजमीन आपको हासिल हुई है, तो कैसे आप मानते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज तो बहुत बड़ा है, ये हमें हर जगह पे हैरास किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह पर चैलेंज है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ रहना भी नहीं चाहते। थैंक यू।